नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे, कोर्ट भी आरटीआई एक्ट के दायरे में है और कोर्ट में यदि कोई भ्रष्टाचार होता है तो इसके खिलाफ आप आरटीआई लगाकर कोर्ट में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा भी कर सकते हैं। किसी भी कोर्ट में आप आरटीआई लगा सकते हैं क्योंकि हर कोर्ट आरटीआई एक्ट के दायरे में है। कुछ बिंदुओं पर हालांकि सूचना नहीं दी जा सकती है, लेकिन कोर्ट भी में भी आरटीआई लगाकर अपने वाद से संबंधित जानकारी ली जा सकती है। चलिए, जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर लें, जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तथा इसे इतना शेयर करें कि हर भारतीय को इसकी जानकारी हो सके कि कोर्ट में हो रहे भ्रष्टाचार का भी खुलासा आरटीआई के तहत किया जा सकता है, तथा एक लाइक अवश्य कर देंगे। मैं बिहार राज्य से संबंधित मधेपुरा व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में आरटीआई लगाई थी, जिसमें मुझे सही सूचना नहीं दी गई, जिसके खिलाफ मैंने अपील भी दायर किया है। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि कोर्ट में भी किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जाता है। जिन किन्हीं को कोर्ट का चक्कर लगता होगा वो अवश्य जान गए होंगे कि कोर्ट में भी किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जाता है। कभी अभिलेख का नकल निकालने के नाम पर मनमानी ढंग से पैसा लिया जाता है, कभी अभिलेख के बारे में जानकारी देने के लिए, यहाँ तक कि कई अधिवक्ता भी कोर्ट में आरटीआई लगाने की सलाह नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें संदेह हो जाता है कि यदि जनता आरटीआई एक्ट का पावर जान जाएगी तो हम लोगों का फी जो है कम हो जाएगा, मुझे जो मुनाफा होता है वह कम हो जाएगा। देखिए, मैंने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई सिविल कोर्ट मधेपुरा में लगाई थी, जिसके लोक सूचना पदाधिकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं। आप लोग देखें, उन्होंने मुझे पत्र के द्वारा जवाब दिया गया है, लेकिन यह जवाब भी झूठा है। मैं इसके प्रमाण आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे। प्रेषक में लिखा हुआ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी व्यवहार न्यायालय मधेपुरा प्रेषित, या मेरा नाम और पूरा पता है, मुझे ही प्रेषित किया गया। विषय आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में। महाशय, आपको सूचित करना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2006 के तहत एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसमें आपके द्वारा सूचना की मांग की गई कि आयुक्त निषक्ता के कार्यालय द्वारा वाद संख्या इतना से निबंधन जिला न्यायालय सिविल कोर्ट मधेपुरा को पत्रांक इतना दिनांक इतना को ही हस्तांतरित किया गया है। इस संबंध में आप जानना चाहते हैं कि पहला निबंधित जिला न्यायालय सिविल कोर्ट मधेपुरा द्वारा अब तक क्या कार्रवाई हुई है। दूसरा, संबंधित बात पर की गई कार्रवाई की दैनिक प्रगति रिपोर्ट दी जाए। तीसरा, संबंधित बात के पूरे अभिलेख की प्रमाणित छाया प्रति दी जाए। तो यह मैंने मांगा था सिविल कोर्ट से, अब उनका जवाब देखिए। इस संबंध में न्यायालय प्रबंधक व्यवहार न्यायालय मधेपुरा द्वारा दी गई प्रतिवेदन से विदित होता है कि पत्रांक इतना दिनांक इतना से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही प्रतिवेदन से यह भी विदित होता है कि व्यवहार न्यायालय मधेपुरा में निषक्ता का कार्यालय नहीं है। यदि पत्रांक इतना दिनांक इतना निबंधक जिला न्यायालय सिविल कोर्ट मधेपुरा को प्राप्त कराया गया तो इसकी पावती रिसीविंग से के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। सूचना प्रतिति लोक सूचना पदाधिकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का हस्ताक्षर है, ये मुझे उपलब्ध कराया गया। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जिस भी पत्रांक दिनांक से भेजा गया था निषक्ता आयुक्त के द्वारा, आप लोग ध्यान रखें, 15/47/21/12/2020, उसका प्रमाण मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि यह रजिस्टर डाक से भेजा गया था, लेकिन वहां के लोक सूचना पदाधिकारी भी झूठी सूचना देकर मुझे गुमराह किए, साथ साथ आरटीआई एक्ट का पालन नहीं किए, जिसके खिलाफ मैंने अपील भी दायर किया है। आप लोग देखें, यह है जिला
न्यायालय मधेपुरा का पत्रांक 15/47/21/12/20 है। यह डाक रसीद भी है जिसका मुझे प्रमाण निसक्ता आयुक्त राज्य निसक्ता आयुक्त बिहार के कार्यालय से प्राप्त हुआ है। इसका सबूत मेरे पास है और इस जिस निबंधक जिला न्यायालय मधेपुरा को भेजा गया था वह भी इसके साथ संलग्न है। आप लोग देखें, इस प्रकार जो है कोर्ट में भी हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा हम लोग RTI एक्ट के तहत कर सकते हैं और किसी भी कोर्ट में RTI लगाकर आसानी से जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद।